नमस्कार। अभी फेसबुक खोले ही थे कि पता चला कि साला इमरजेंसी जो है ये आपातकाल, ये अभी तक नहीं गया है देश से। हमको लगा बैन लगा, वो स्थगित हुआ, फिर चला गया होगा। लेकिन एक दो ज्ञानी आदमी जो है वो कोई परम ज्ञानी साइट को शेयर किया है उसका लिंक, और कह रहा है कि 500 और 1000 का जो नोट है इसको जो सरकार ने बैन कर दिया, डीमोनेटाइजेशन जो है वो एक विटलेस एंटी पीपल एंड इट रीक्स ऑफ एमरजेंसी, ऐसा लिखा है साइट में। एंटी पीपल तो नहीं हो सकता है, कहे कि हमको पता है सरकार पीपल का पूजा करने वाले लोगों का है, और जहाँ तक बात है इमरजेंसी का तो उसका तो ऐसे इस्तेमाल हो रहा है आजकल की इमरजेंसी नहीं साला इमरजेंसी लाइट हो गया, जो बिहार में लाइट जाने पे लोग खोजते हैं। वैसे एक बात तो है कि अर्थशास्त्र का सारा ज्ञान, इनफैक्ट जितना शास्त्र है सबका सारा ज्ञान पत्रकारों से ज़्यादा किसी को नहीं होता है। उनको एडिटर आते हैं और कहते हैं यार ये सब तो एक ही बात लिख रहा है कि काला धन के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त कदम उठाया सरकार, तो डू समथिंग डिफरेंट, यू ब्रिंग इन सम न्यू एंगल। अब एडिटर साहब बोल के चले गए, मार्च में होना है इंक्रीमेंट, हैं तो ग्राउंड तो अभी से ही तैयार होगा। तो अब ये जो हैं हमारे पत्रकार साहब, कल तक जो ये लिखते थे लाइफस्टाइल सेक्शन में कि लाल चड्डी पहनने से आकर्षित होती है महिलाएं, हैं ऐसे लोग, और ये लोग जो हैं खुद ही खुद को मेल करते हैं सेक्स समस्याएं, और खुद ही डॉक्टर बन के कि मैं आजकल हस्त मैथुन बहुत ज़्यादा करता हूँ, इसके लिए कोई उपाय सुझाएं, इसको कैसे बंद करें, हैं इसका जवाब लिखते हैं ये लोग, ये पत्रकार हैं। और ये अब कि 500 1000 का नोट पूरी अर्थव्यवस्था को कैसे बर्बाद कर देगा, कैसे एंटी पीपल है, इस पे जो है ज्ञान पेल रहे हैं साइटों में कॉलमनिस्ट बन के। हमको अर्थशास्त्र का ज्ञान है नहीं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि आरबीआई में जो गवर्नर है और उसका जो टीम है, और वित्त मंत्रालय में जो सेक्रेटरी लेवल का ये सब आईएएस अफसर होता है, उसको थोड़ा बहुत ज्ञान होगा अर्थशास्त्र का, है। और इनका क्या है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज भी 22 साल तक वो करते रहते हैं और लिख देते हैं पत्रकार महोदय, एंड द हैंग्ड याकूब है, एंड द हैंग्ड याकूब, 22 साल जजमेंट साला सुप्रीम कोर्ट और फलाना ढिमका कोर्ट में चलाओ, लिख देते हैं कुछ भी। फिर क्या होता है कि ऐसा पत्रकार समझने लगता है कि हमको कोर्ट से ज़्यादा आता है, हम फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, हमको जो है वित्त मंत्रालय के सारे सेक्रेटरी से ज़्यादा आता है, आरबीआई का गवर्नर का वो बाप बन जाता है वो पत्रकार। ऐसे पत्रकार इंक्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए ऐसा आर्टिकल लिखते हैं जिसमें घोड़े को गधा बता दिया जाता है। वो बोल देगा कि दोनों का चार पैर होता है, दोनों का चारों पैर में खुर होता है, पूँछ होता है, गर्दन पे बाल होता है, दोनों एक ही बात है। मतलब सरकार ने अनाउंस किया नहीं कि ये नया एंगल को प्रूव करने बैठ गए कि ये एंटी पीपल है। कैसे है, पीपल से तो हम भी मिलते हैं, दिन भर मिलते रहते हैं, एक आदमी नहीं मिला है रियल लाइफ में आज दिन भर जो कह रहा हो कि नहीं ये गलत स्टेप है, हमको बहुत मतलब परेशानी है। सब बोल रहे ठीक है 2-3 दिन का इनकन्वीनियंस है उठा लेंगे, क्या इसमें बवाल का है काटे हुए भाई। अब जो है इनके लिए सीधी बात है आम आदमी के लिए कि भाई सरकार ने सही किया, रियल लाइफ में मिलने वाला आदमी इंटेलेक्चुअल वेबसाइट की टट्टी कम पड़ता है, खासकर वैसे वेबसाइट की जो सिर्फ फेसबुक पर ही शेयर किए जाते हैं। और ऐसा आंटू झांटू वेबसाइट भोकाली वाला नाम रख लेगा और आपको कोई भी मतलब फेसबुक ट्विटर के अलावा ये वेबसाइट आपको कहीं कोई पढ़ता हुआ नहीं मिलेगा। ऐसा वेबसाइट इसको कुछ चिरकुट लोग गूगल में सर्च करता है 14वां पेज से सिर्फ हेडलाइन देख के उठा लेगा जो इनके मतलब का रहता है, और अपना उसी लेख का 2 पैराग्राफ जो है स्टेटस में डाल के पेस्ट करके पोस्ट कर देगा। बात यह है कि ये खुद ऐसे आर्टिकल हेडलाइन के अलावा कुछ नहीं पढ़ते, और इनसे पूछ दो कि डिफेंड करो इसको, एक सवाल पूछ दो नीचे तो 5 और नया लिंक ला के पेल देंगे। इनसे पूछो कि भाई लिंक पेलने से क्या होता है, लिंक तो साला मतलब हर चीज़ के फॉर में भी है अगेंस्ट में भी है। तो ये जो है वहाँ पे बोले अरे नहीं यार इतनी जगह झूठ थोड़े ना लिखेंगे यार, 5-5 साइट पे लिखा हुआ यार, वेल सॉरी बेब्स, लिखने वाले तो क्या क्या लिखते हैं, यू बी कूल, आ आ आ हे डोंट डू लाइक दैट, आई विल डू दैट टू यू, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट
आई एम डूइंग इट राइट नाउ, इवन नाउ, आ आ आ, हे यू सक, गुड नाइट।